Friends. Hello guys, good evening all of you. Good evening all of you. Hi. Hi friends. How are you? आज का आज हमारा मतलब एंड सेशन एंड गेम का हमारा सेशन एंड है बेसिकली बिकॉज सोशल आखिरी एग्जाम है हमारी विजन है आज हमारा. ओके ओके तो आज जबरदस्त तरीके से हम इसको एंड करने वाले हैं. ओके और एक छोटी सी चीज बता दूं, मतलब आज का फ्लो कैसे होने वाला है कि हम जो भी सब्जेक्ट्स है मतलब ओवरऑल पूरे एसएसटी का हम एक शॉर्ट ओवरव्यू करने वाले हैं. ठीक है, जिसमें हम बीच बीच में मेंटी करते रहेंगे. मतलब जैसे हिस्ट्री का हो जाएगा सर, उसके बाद मेंटी. उसके बाद हाँ हिस्ट्री का मेंटी होगा, उसके बाद जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो ज्योग्राफी का होगा, उसी तरीके से वही फ्लो होने वाला है. और अब आपको कंटेंट क्या मिलने वाला है मेंटी के अलावा, जो हम कंटेंट करने वाले हैं उसमें क्या मिलने वाला है. यस, इसमें हम ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर हम इन डेप्थ जाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इतने समय में. तो हम यहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है डेट के साथ में और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सर, वो डिस्कस करने वाले हैं. मतलब वन मार्क्स पे बेसिकली जो आपको कल शायद काम आ जाए. मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है कि सर वो ऑब्जेक्ट वो 20 नंबर जो है वो सेक्शन 1 जो है वहां पर बेसिकली दिक्कत हो सकती है. तो उन चीजों को अब क्या करना है, आपको जो जो स्लाइड्स आएगी आपको स्क्रीनशॉट लेना है. हाँ, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा. दैट इज इम्पोर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लोगे और बस उसके बाद वीडियो के एंड में उसको बस मतलब वीडियो होने के बाद उसको एक बार घुमा के देख लेना, आपका काम हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा. और कल के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से हमारा सेशन मतलब पूरा 10th जो है वो फिनिश हो जाएगा. लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अंत ही आरंभ है. मतलब इट इज नेवर एन एंड, द एंड इज बेसिकली अ बिगिनिंग, रियल स्टार्ट गोइंग टू बिगिन. यस, अब आपका जो शुरुआत है, कोई बोल रहा है कि 10th तक पढ़ो उसके बाद में आपको एंजॉय है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है, तो ये आपका एक नया शुरुआत होने वाला है, एक नए युग की शुरुआत आपके लिए. ओके, तो सर हम चाहेंगे कि हिस्ट्री के बेसिक चीजें जो डेट इवेंट और जो आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स लगते हैं वो जरूर बता दीजिए. एंड यस, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा मैं सर से बोलूंगा कि थोड़ा हिंदी बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे. ठीक है, एंड सर आज प्लीज प्लीज आपको हिंदी आज हिंदी टू स्पीक इन हिंदी, बच्चों को हिंदी चलेगा. ठीक है, आप हिंदी. हाँ, ओनली हिंदी. ठीक है, तो सर जी आपके हाथ में है और इसको शुरू करिए. तो उसके बाद मेंटी भी लिया जाए, टॉपिक के बाद मेंटी होगा. तो फर्स्ट चैप्टर व्हिच स्पीक्स अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप. सी नाउ ओनली यू टेक द स्क्रीनशॉट. हां, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक इट बिकॉज़ वी हैव जस्ट गॉन थ्रू. बिकॉज़ I don't think that it is so many date based questions will be asked. You don't worry about that. Still we are moving with, because many of the comments we have read that it is, sir, what about the date, you do something for the date. I am telling you, don't worry about the much date. Okay, date is not going to trouble you. Basically it may be 2 or 3 mark, 1 mark, 2 mark hardly come for the map, otherwise it will not come. But still you are very particular about your writing. When you are appearing the 3 marks and 5 marks question, if you want to write the date, you can write. Otherwise you write only 19th century, 18th century, 20th century, like that only you write, no problem. मतलब सर मैं इसमें ट्रांसफॉर्म करूँ कुछ बच्चों के लिए कि अबाउट द डेट सर ने थोड़ा सा अपने को हमको रिलैक्स कर दिया है, ये कहा है कि भाई डेट वाले सवाल ज्यादा स्पेसिफिक वन मार्क में आने वाले नहीं है. अगर आया भी तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन और जो मतलब जो लॉन्ग आंसर्स वाले होते हैं, लॉन्ग आंसर वाले में आपको अगर डेट मेंशन करना है, अगर नहीं श्योर हो तो 18th 19th सेंचुरी लिख के काम चलाओ, अगर श्योर हो तो लिखो. ठीक है, बिकॉज अगर आपने गलत लिख दिया तो नंबर कट सकते हैं. राइट सर, नो नीड ऑफ राइटिंग. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट डोंट राइट ओनली. सो सी देयर आर सो मेनी हाईलाइटेड, वी हैव 7 इयर्स ऑफ वॉर, यू नो 7 इयर्स ऑफ वॉर. When the Germany was unified, 7 years of war was a 3 wars which led to 7 years. Then the French Revolution, Napoleon invaded Italy and the fall of Napoleon. Then Giuseppe Mazzini, establishment of Young Italy and period of economic crisis and the unification of Italy, unification of Germany and Franco-Prussian War and beginning of the First World War. See, there are so many dates we have given and from among we feel that it's may be okay. Okay, those who want to score 100 on 100 or 80 on 80, you have to go end their dates, okay? Others, those who wanted to get 90, 80, okay, then you get highlighted one only, you go. Okay, we cannot do more than this. Then we have revision charter is there. In the revision charter, then we can see the making of the nationalism in Europe. You don't forget about to learn about the Treaty of Constantinople. That speaks about the unification of Greece and Romanticism next. And the 30 years of Great Depression and the
revolution in 14-8, that it is July revolution, and the unification of Italy and the unification of Germany, and then you have to go for the unification of Britain. And one more thing you don't forget about, that it is the Balkans. You remember that is the Balkans. This also you have to remember, we have not added with this. So unification of Britain and the Balkans. मतलब कल जब आप morning में या फिर मतलब आज रात में obviously late light तो नहीं पढ़ोगे, कल जब सुबह आप देखने वाले हो तो इन topics को बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको कम से कम एक बार देख लेना है, right sir? Yes. Screenshot लेते जाओ, ठीक है sir, थोड़ा सा दिखाते जाइए उनको. Then nationalism in India, you can now you can take when we turn to this side, you take the screenshot ले सकते हैं. That side. Okay, nationalism in India. Then you know nationalism in India is an important chapter. No weightage difference is not there, but it is, since we are Indians and it is our history, then you give more weightage. No, board is not giving much weightage to one particular chapter, but you give more weightage to that and everything. The First World War and Khilafat non-cooperation, the movement and the towards civil disobedience and sense of collective belonging. See, these all are one by one we have given, you have to go through that. It is, I think it is very simple and everything. Non-cooperation movement, civil disobedience movement and everything, you have to go through why the how the non-cooperation movement spread and how the civil disobedience movement spread, where, how, and how did they participate and everything you have to go, and how it was the after, if, how nationalism was created by the World War. These all are the things. Then the main events we have given. So many things. Arrival of Mahatma Gandhi from 1915. After arriving, very successful Satyagraha 16, 17, 18. That you remember, we have discussed in the during the time of map work also. That was in Chambaran, Kheda, and Ahmedabad. Go through that. Screenshot lelo guys. Beech mein screenshot lelo isko. Yes, 1919. Then the Jallianwala Bagh massacre, the Revlek Act, then Chowri Chowra incident, and civil disobedience movement started, and civil disobedience movement relaunched, and civil disobedience called off, and Quit India movement, and the Quit India movement is not very stressfully, it is not given in our chapter, but still you remember now. Mainly non-cooperation or civil disobedience movement diya hua hai aapko, yes. So dates thoda sa dhyan se dekh liya hai sab. Yes, but at the same time you can go through also. Okay, you, I think you know these all the dates. Okay, now effects of the First World War, you see the revision chart. We remember that it is the first topic of this chapter is the effects of First World War. Then what is the reason? Increase of taxes, prices doubled, price increment. See, simple point Sanjeev sir has given you. Sanjeev sir has made this, okay? Sanjeev sir has given you this a very simplified manner. Even you remember this heading also, it will be elaborate. Good for you. Okay? First is the last you go through when you analyze, no need of going very detail. That is why we are also not coming detail. Why we are giving only, you also go through only through the headings. Sir, detail ka time bacha nahi hai. Yes, yes, that is a particular thing. So, aap basically photo yahan par screenshot leke aur ek bar jo usko dekh loge to aapka kaam filhal ho jane wala, jo samay bacha hua us hisab se. Yes, sir. Global the world. Making of the global world, very nice flowchart is given to you. You take the short global system has emerged since 50 years, started with Silk Road, and everything is given there in a very systematic way. You have to take that it is and go through, and the date and events we have not highlighted much. The Rinderpest we have highlighted, the Great Depression we have highlighted. Important because, topics hain sir, yes, Great Depression, some textbook or some of the refresher also you can find that Great Depression started in 1928. It's okay. India was affected from 28 to 34. No problem. It's not a problem as it is. So, it is as it is. No problem. Okay. So, little bit or zoomed for you when you can. Guys, screenshot le sakte ho. Fatafat le lo. Chalo. Okay, sir. Then, review this making of the. Clear nahi aa raha. क्लियर नहीं है क्या? हाँ सर, बहुत लोग लिख रहे हैं, ज़ूम करो. ओके सर, थोड़ा इधर आ जाइए. क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो उसको, ठीक है, या फिर बाद में जब रिकॉर्डेड हो जाएगा तब तो पक्का देख सकते हो आप, ठीक है. Okay, revision chart in the pre-version, you remember in the making of the global world, Silk Route is very important, and you have to go for the Great Depression and the impact of Great Depression and the Bretton Woods Agreement. I hope that you remember Bretton Woods Agreement, the birth of IMF and the World Bank. Then the most relevant countries formed the group of G77, then also, okay, that is the way you run. So G77 and everything, my dear children, you don't skip out only.
chances of coming for the examination. G77 zyada important hai bachcho. Then this age of industrialization move, then proto industrialization, you have to learn what is proto industrialization and hand labor and the steam. Why the industrialists were not ready to introduce the steam power engine and everything even after the machines are introduced. And the what happened to the weavers and the gomastas, here short labor, handmade, everything is detailly. The points also given, the question almost industrialization, the colonies is given, market for goods and everything is given, and the advertisement, the last topic. And with that we have some of the important dates we have. You remember that is East India Company when it is established, spinning jenny when it is introduced, Richard. So one very, very better thing Sanjeev sir has given you, because when you go learn for the dates, you are getting other point. Richard Arkwright cotton mill, who has introduced the or invented the cotton mill. So you are getting the name as well as the specialty of that person. So that also very nicely made this slide. So you take the screenshot and keep it with you, and highlighted one you can go very, very nicely, because almost very important thing only, very almost thing we have highlighted, you can go through that. Then we will come to the history of industrialization. Basically Britain or India. Okay, then it is as it is, no much importance are not coming, but even then it is a conclusion, so you can go through it. Okay, no problem. Next will come the print culture. See, very nice flow chart it is. You print culture, it is started in China, then Japan, Korea, then printing technologies in Japan, then Chinese, then the first book printed by our Gutenberg, the Bible printing course, then everything. Very nicely it is given. You go through. You can also keep your this flow chart in your mind also. That will help you a lot. मतलब एंड के लिए, रिवीजन के लिए, अब जो है ये मोमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ, तो ज़रूर देखिए इसको. जापनीज ओल्डेस्ट बुक जो है वो डायमंड सूत्रा, पीरियड दिया हुआ 868 AD. ये सर, देन द जॉनन गुटनबर्ग डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, मार्टिन लूथर, यू रिमेंबर द फाइव थीसिस, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्टिन लूथर्स बुक, 95 थीसिस, देन राजा राम मोहन रॉय, संबत कौमुदी, सो मेनी थिंग्स आर गिवन. We have not highlighted everything, but still we are highlighting, means that doesn't mean that it will only will come. We are giving samples. So Rajaram Mohan Roy, Sambat Kaumudi, we have marked or highlighted. That doesn't mean. So ऐसे आपको याद रखना है basically. Then down also we have so many other people are coming with the other books. So you have to go through that. Anyway, the last material we are giving to you. The last thing, last tips at least which we can give. That is, we are giving to you, and go through it, and definitely you will be having that. Guys, ये वाला भी ले लो, proper screenshot ले लो इसको. देखो date के साथ आपको यहाँ पर person और उन्होंने क्या yes योगदान किया हुआ है. His book Gulamgiri, then Rashundra Devi her book Amar Jiban, Vernacular Press when it asked, and the model on the Irish Press. काफी time, मतलब काफी paper में repeat होता है ना सर, ये Vernacular Press और ये जो है बहुत repeated है ये. अब इसके बाद मेंटी करने वाले हैं गाइज. अब ये अगर हो जाता है तो उसके बाद हम मेंटी देखने वाले हैं. ये प्रिंट का ये रिवीजन चार्ट, इसको भी देख लो. और प्रॉपर फ्लो है यहाँ पर कि कैसे चाइना, जापान और उसके बाद फर्दर यूरोप में ये चीज़ मूव हुई, और चाइना में भी जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, और देन अकॉर्डिंग बुक्स, देन वेयर इट वाज वेरी फेमस, शंघाई हब, एंड देन गुटेनबर्ग कम, देन द प्रिंट रेवोल्यूशन, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द प्रिंट. Then after that the reading mania started. Proper flow दिया हुआ है, तो आप उसको उसी तरीके से देखोगे better होगा. मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको zoom करूँ. Yes, now you can take the screenshot. Okay. And sir, हम इसके बाद एक mentee कर लेते हैं history के लिए बच्चों का, एक further देख लेंगे exactly क्या तैयारी है, कैसे तैयारी है. Yes. Yes. It is necessary. और एक refreshment है मेरे हिसाब से सर, ये थोड़ा सा एक morning में आपको बहुत काम आएगा. अगर आपने screenshot लिया हुआ है ना, तो एक quick revision आप 10 मिनट में कर सकते हो. Okay, तो history का guys यहाँ पर देख लेते हैं. चलो, all of you come on, be connected now to the history का quiz. So code है 30 6240. सर मैं चाहूँगा कि आप जो है
बच्चों का क्विज कंडक्ट करें। यस, आज हमारे प्रवीण सर जो है क्विज मास्टर होंगे फॉर हिस्ट्री। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चे सर पहले जुड़ जाएं। तो बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, 86 भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तैयारी अच्छी की होगी एग्जाम के लिए। और कोड देख लो गाइस, 306240, ठीक है, 306240, 306240 आपका कोड है। फटाफट जुड़ जाइए ताकि आप लोग भी एकदम एडुमैन बन सको और आपका टाइम भी ज्यादा ना जाए। हाँ वही हिसाब से। इसके बाद फिर हमारे प्रवीण सर ज्योग्राफी का बहुत ही जरूरी चीज बताने वाले हैं। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों, क्या बात है। उसका मेंटी साथ में है ना? हाँ उसका मेंटी भी साथ में है, तो आपको जो दोनों बताना पड़ेगा एक साथ। फटाफट जुड़ जाइए। यस सर, 1000 प्लस बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए हैं, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। आप शुरू कर दीजिए सर, पहला सवाल लाइए, सामने लाइए। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी पहले बच्चे गैदर होंगे सर, सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, हमको पता चल जाएगा कितने बच्चे यहाँ पर है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, इस बार जो है फोड़ के आना एकदम, और आखिरी एग्जाम है, फिर उसके बाद खुशियां मनाना एकदम, एंजॉय करना, ठीक है, भले हमको कोरोना जो है वो हमको डरा नहीं सकता, अभी थोड़ा खुशियां, बाहर मत जाना, घर पे ही बैठ के खुशियां मनाना, थोड़ा टेक केयर फॉर योर सेल्फ, वो भी ज्यादा जरूरी है। यस सर, आफ्टर ऑल। और एक चीज है, एग्जाम का बहुत सारे मैं कमेंट देख रहा हूँ, कल कैंसिल हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सीबीएसई कोई ऐसा सर्कुलेट आया नहीं, किया नहीं है, और किसी प्रकार कैंसिलेशन अभी तक कुछ नहीं है। यस बिल्कुल, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लास्ट एग्जाम है हमारा, कैंसिल करके भी आप लोग के लिए टाइम खिंच जाएगा, फिर मतलब नहीं है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। यस बच्चे, वेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। सो ऑप्शंस आर ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया एंड स्विट्जरलैंड। चार ऑप्शंस है, 7 seconds, 6 seconds, 4, 3, 2, 1। सो आंसर भी आ गए सर अपने पास, 2000 बच्चे सर यहाँ पर, क्या बात है, क्या बात है। और स्विट्जरलैंड मतलब ऑब्वियसली करेक्ट होगा, मतलब बढ़िया प्रिपरेशन हो गया है, 1300 लोगों ने ऑलमोस्ट 14 लोग एकदम सही आंसर दिया, क्या बात है, ऑल द बेस्ट, सब सर की मेहनत है, इतनी बड़ी टावर खड़ी हो गई यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा। ओके सर, देखते हैं, फिलहाल देखते हैं, अभी इतने बच्चे जुड़ गए तो सर अपने आप से बातें करने लगता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। चार ऑप्शन है आपके पास, गरिबाल्डी, मैज़िनी, मेटर्निच एंड बिस्मार्क। लास्ट सेकंड टाइम, यहाँ एक ही बड़ा टावर आएगा सर, यहाँ पर बच्चों की तैयारी बता रही है, 2000 बच्चे, 2100 एक साथ, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं, क्या बात है। देखिए यहाँ पर अपने आप, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, कल तो आप लोग एकदम फोड़ के आने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग के लिए, अगला सवाल देखते हैं। चलो भाई जल्दी आ जाओ, क्यों सता रहे हो, फटाफट सर, इतने बच्चे जुड़ गए ना, ये मेंटी क्रैश हो सकता है, ये ऑक्सीजन लाना पड़ेगा सर, इसको वेंटिलेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आंसर भी दे दिए रहेंगे लगता है। आंसर भी हो चुका होगा, देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर ले, क्या बात है। तो क्या बात है, आंसर भी, और लगभग 1500 लोगों ने सही आंसर दिया। क्या है सवाल, देखते हैं सर यहाँ पर, सवाल है, आइडेंटिफाई द टू लीडर्स हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। एकदम सही जवाब, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, हमारे ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर आंसर बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सर अगला देख लेते हैं, जितना जैसे चल जाए अभी, बच्चों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था मेंटी का, एक्चुअली कल मैंने मतलब बहुत सारे कमेंट्स मेंटी काफी बच्चे कर रहे थे, लेकिन फॉर सम रीजंस नहीं कर पाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कर लिया जाता है। आज तो आपका सवाल है, व्हाई दलित्स वर इग्नोर्ड बाय कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, फियर फ्रॉम बी आर अम्बेडकर, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, फियर ऑफ ऑफेंडिंग
सनातनी. तो आंसर 945 लोगों ने राइट दिया. सनातनी मतलब सर बेसिकली कंजर्वेटिव हिंदूज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव हिंदूज और कॉल्ड सनातनी. हां तो ये भी सवाल बन सकता है. ये भी सवाल आ सकता है. तो उनके डर से दलित को नहीं लिया गया था कांग्रेस में. ओके सर देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल. यस बिल्कुल. तो नेक्स्ट सवाल है आपका ऑक्सीजन. नहीं सर आएगा आएगा मेरे करोड़ अर्जुन आएंगे. जरूर आएंगे. और सर ये बहुत जबरदस्त बच्चों का रिस्पांस है. तो ये तो उनके वारे यार. विच ऑफ द ग्रुप ऑफ पावर हमने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया है. आप लोग के आंसर भी आगे रहेंगे अब तक. आंसर भी आ गया. विच ऑफ द ग्रुप ऑफ पावर आर कलेक्टिवली नोन एज एक्सिस पावर. सेकंड वर्ल्ड वॉर सर. सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रिया जर्मनी इटली. नहीं नहीं सर ये है जर्मनी इटली एंड जापान. पर काफी मिस्टेक हुई है भाई. मिस्टेक्स है. कहां ध्यान नहीं दिया आपने. वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर यू हैव टू टेक केयर. ओके एक्सिस पावर एंड द अलाइड पावर. अच्छा अच्छा मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो थे अलाइड पावर एंड एक्सिस पावर. और एक्सिस पावर में जर्मनी इटली और जापान. भाई थोड़ा ध्यान दीजिए जरूरत है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है क्या ये? यस ये जो जर्मनी इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बच्चे थोड़ा सा उसी में कंफ्यूज हो गए तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो. थोड़ा ध्यान दीजिए इन्हीं चीजों पे ध्यान देना आपको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. प्रॉपरली सवाल को पढ़ना गाइज. कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स मत करना ठीक है. एंड वी आर ऑलमोस्ट लाइक अभी आधे क्वेश्चंस हिस्ट्री के होने वाले हैं. लगभग छह क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पर. ये सर क्वेश्चन आ गया है. आइडेंटिफाई द ट्रेड फ्रॉम विच द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स मेक अ फॉर्च्यून. ट्रेड इन टी चाइना ट्रेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. एक ही सेकेंड बचा हुआ है. आई थिंक इट इज चाइना ट्रेड. या सर आई थिंक सो. Yes, बिल्कुल. Sir, you are always right. इतना जबरदस्त. तो यहाँ पर ये basically silk route कब की मतलब बहुत शुरू के ही बात है. ट्रेड का शुरुआत ही कह सकते हो. तो वहाँ तो चाइना से ही हुआ था. चाइना ट्रेड ही हमने स्टार्ट किया. वहीं से लगभग कनेक्शन शुरू हुआ. उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. अपने साथ कॉन्फिडेंस रखो ठीक है. और ये जो एक एग्जाम बचा हुआ है उसको भी फोड़ के आना बढ़िया तरीके से ठीक है. एकदम कॉन्फिडेंट रहो. जो भी लिखो बढ़िया से लिखो. यस सर सवाल आ गया. आपका नेस्लेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर यूज एडवर्टाइजमेंट टू. किस लिए यूज किया था भाई? मेक इंडियन गुड पॉपुलर इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट. आई थिंक लॉजिकल आंसर है. शायद इसमें अपना 1500 का रिकॉर्ड टूट जाए. अरे लेकिन 2000 में से चलो ठीक है. ठीक है ना. 1000 स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑफ बच्चों को पता चल गया. देखो दो बातें हैं. नेशनलिस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर क्यों एडवर्टाइज करेंगे? नेशनलिस्ट मैन्युफैक्चरर क्यों? क्योंकि उनको देशभक्ति है तो चाहते हैं कि स्वदेशी वाला कंसेप्ट जो है वो आगे. उन्होंने प्रॉफिट के लिए तो कुछ कर नहीं रहे थे. सो उनका एक लॉजिक भी लगाइए यहाँ पे थोड़ा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर. यस सर बिल्कुल बिल्कुल. देखते हैं चल रहा है. मेंटी चल रहा है. कम ऑन कीप इट अप. ये जानता है बच्चों का एग्जाम है तो भाई चल जाते हैं. हाँ वो भी समझ लेते हैं. और बच्चों लाइक कर देना सेशन को. आखिरी सेशन है. मिलेंगे फिर हम 11 में मिलेंगे. थोड़ा लंबे टाइम के बाद मिलेंगे. Who developed the first printing press? ये तो सर ने कल ही लिया था. डेली हम बात करते हैं. अभी देखा हमने. So I think we'll get the maximum answer. हाँ मतलब बिल्कुल यार इसमें गलत होना है. देखो यार. या maximum record तोड़ यार क्या बात है. वाह वाह. Still there are some students are appearing for other answers. My God. नहीं सर ये ना 9th के मतलब कुछ बच्चे ना 9th जुड़ जाते हैं. और randomly the answer तो इसलिए हो सकता है. अदरवाइज मुझे पता है कि 100% are given correct answer. वाह वाह क्या बात है क्या बात है. चलो next question ले लेते हैं. Yes. अगला देखते हैं. इस टाइम पे अब ग्यूटेनबर्ग के बारे में हमने यहाँ तो कब जानेंगे यार. ठीक है. आ जाओ भाई. रिफ्रेश करना पड़ेगा सर. देखते हैं सर वहां पे जाते जाते शायद चल जाए. बच्चों का आंसर भी आ गया होगा. बहुत मजा आया गाइस. ये जो सेशन था 1000 वापस से क्या बात पाम है लीव्स. और ये आखिरी सवाल था. मतलब हमको यहाँ पर अब देखने को मिलेगा सर कौन यहाँ पर टॉप किया हिस्ट्री में. किसने एकदम बढ़िया बाजी मारी है प्रिपेयर करके रखा. व्हिच ऑफ द मटेरियल वाज यूज्ड इन एंशिएंट इंडियन फॉर राइटिंग. अरे ये तो बड़ा ही इजी आंसर है. पाम लीव्स. याद रखना भाई शुरुआती पेपर जो इंडिया में हम यूज करते उस फॉर्म में था. और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर यहाँ पर. क्वेश्चन है
नहीं सर, वी हैव अच्छा यहाँ पर वी हैव द रिजल्ट्स और सबसे पहले है फ्रॉस्टी. फ्रॉस्टी ने यहाँ पर टॉप करा हुआ है. क्या बात है, क्या बात है फ्रॉस्टी. कांग्रेचुलेशन भाई, वेल डन वेल डन वेल डन. जोसेफ सर की तरफ से आशीर्वाद मिल गया है आपको. वेल डन. आप तो कल एग्जाम में एकदम फोड़ के आने वाले हो. आप ही क्यों, आप ही क्यों, सारे टॉप 10 में देखिए सब सर. बहुत बढ़िया तैयारी, बढ़िया आंसर है. यहाँ पर देखिए आप करीब करीब 2700 बच्चे हैं सर, तो मतलब कि सबके सब बहुत तैयार है एग्जाम के लिए, एकदम प्रिपेयर्ड है. इसलिए ऊपर आए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत तेजी से जवाब दिया. ठीक है, तो ये इनका रिफ्लेक्स तेज है. बट हमको एग्जाम में ऐसा कुछ टाइम बैरियर इतना कुछ नहीं है, तो मतलब की काफी बच्चे हैं जो फोड़ने वाले हैं और 80 on 80 जो है वो लाने वाले हैं. बिल्कुल लाएंगे. और गाइज अगला, अब यहाँ पर हमको सर ज्योग्राफी शुरू करना है सर. कर दें ज्योग्राफी, कर दें ज्योग्राफी, देख लेते हैं सर. ओके, तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं. आपका ज्योग्राफी देख लेते हैं सर, बच्चों का भविष्य बनाना है आपको. ओके सर, भविष्य ज्योग्राफी है सर, पहले से बना हुआ है सर. यस, बना हुआ है, लेकिन हम जितना हेल्प कर सकते हैं वो. जी बिल्कुल, तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें. हम हिस्ट्री में आप लोगों ने ध्यान में रखना है चीजों को, आपको एक मार्क्स है या कहीं एक्सप्लेनेशन में शायद काम आ जाए. तो पहला तो बड़ा ही इजी था आंसर है रिसोर्स. तो रिसोर्स दो टाइप के, नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स, उसका क्लासिफिकेशन है. अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंजर्वेशन बहुत जरूरी है. तो अगर आप देखोगे एक चीज, तो कंजर्वेशन में सॉइल कंजर्वेशन और लैंड कंजर्वेशन दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर. बट सॉइल में आपको ये चार पॉइंट को ध्यान में रखना है, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड मेकिंग गलीज. तो कंजर्वेशन के आंसर्स में आप बढ़िया से पॉइंट को लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो. देन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी है. इसका मतलब होता है जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, सही तरीके से रिसोर्स को यूज करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, क्योंकि सब जगह बराबर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. तो इस तरीके से आपको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऑन द स्पॉट. एकदम बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है संजीव सर ने, आज सुबह से सर ने मेहनत की है आप लोग के लिए. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्रीकल्चर में आ गए हम. ठीक है, तो थोड़ा सॉरी, तो टाइप इसमें आपको फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तीन टाइप के फार्मिंग होते हैं, चार टाइप के फार्म. प्लांटेशन क्रॉप तो दो ही क्रॉप उसमें है. ये न्यू फार्मिंग सिस्टम है जो टी एंड राइस एंड कॉफी इन चीज में यूज होता है. कमर्शियल फार्मिंग आपको पता है बिजनेस के लिए खासकर. देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस तब की जाती है जब पॉपुलेशन ज्यादा होता है, लैंड एरिया कम होती है. okay. तो नए मेथड यूज करते हैं. कल आप लोगों ने डिफरेंसेस पूछा था. प्रिमेटिव तो ओल्ड मेथड को यूज करना प्रिमेटिव फार्मिंग है. क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ तीन है, रबी खरीफ एंड ज़ैद. तो तीन क्रॉपिंग पैटर्न में अलग अलग चीजों का प्लांटेशन की जाती है. ये विंटर Then, है, ये विंटर है, ये रेनी है, और ये उसके बीच का जो टाइम है बिटवीन okay. विंटर एंड समर, वहां पे ज़ैद का फार्मिंग की जाती है. देन okay. सबसे बड़ा चेंज और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या हुए. तो ये कंबाइन आंसर आता है कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या रिफॉर्म किया है. तो आपको कलेक्टिवाइजेशन, यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था अपना, उसके बारे में लिखना. लैंड रिफॉर्म उसका नाम था. देन ग्रामीण बैंक ओपन किए, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, पेस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपका ये 5 मार्क अगर आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स है. अगर सही सेंटेंस बना के लेंगे तो आप बढ़िया आंसर लिख सकते हैं. देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो ओवर द ईयर हमारे यहाँ पे हुए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स आप देख सकते हैं, मेजर क्रॉप्स, अदर फूड क्रॉप, इस तरीके से. तो ये आपको कल हेल्प करेगा. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि सर ने बहुत बार बोला है, तो आपको सुबह काम आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. तो एनर्जी रिसोर्स तो बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, मुझे लगता है ये कोई गलत करके नहीं आएगा. कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, देन टाइप्स ऑफ कोल के चार टाइप, ये आपको 1 मार्क्स में जहां तक यूज आ जाए. पीट, लिग्नाइट, विटामिनस एंड एंथ्रासाइट, ये चार टाइप के कोल्स होते हैं. देन मिनरल्स हैं मेटालिक, नॉन मेटालिक, और फिर उसके अलावा आपको ये जो फ्लो चार्ट है आपको, जहाँ पे आपको सारे के वो उनके इस पर डिपेंडेंट है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कौन सा फेरस है, कौन सा नॉन, आप देखेंगे तो ये फेरस मिनरल्स है. सर ये मतलब मैं ख्याल से ये वाला पार्ट भी ज्यादा जरूरी, ये पार्ट पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे भी ये कवर हो जाता है आपको. तो उसके लिए आपको यूज रहेगा. तो इस तरह से आपका ये मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स हो गया.
और इस चीज को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा कि आपको मतलब लॉन्ग आंसर में तो हेल्प होएगा, साथ में आपको मेन ऑब्जेक्टिव का आप लोगों ने बहुत लोगों ने लिखा कि किस सबसे कॉन्फिडेंस लाएं, तो यही अगर आप रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। देन कहाँ पे सेटअप होना चाहिए, लोकेशन जरूरी है आपको पढ़ना, दो फैक्टर से इफेक्टेड होता है, फिजिकल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, की फैक्टर। सबसे तो की फैक्टर में भाई पैसों की बात होती है, लीस्ट कॉस्ट जहाँ पे कम रहेगा, ह्यूमन फैक्टर लेबर मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट सप्लाई, तो इन चीज़ें तो वहीं पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाती है। देन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, आपको इसके एग्जाम्पल्स भी एक बार देख लेना है, एग्रो बेस्ड में क्या आता है, मिनरल बेस्ड में क्या आता है, बेसिक और की कौन सा है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल आपको अगर पता रहेगा, अगर 1 करोड़ से कम है तो स्मॉल स्केल रहेगा, 1 करोड़ से ज्यादा है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हम उसको बोलते हैं, वो कैपिटल बेस्ड कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट पे। ओके। तो ये इस तरह से आपके एग्जांपल के साथ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देन सब इम्पोर्टेंट अगेन मुझे लग रहा है जैसे कि शायद आप लोग को कल हेल्प हो जाए, एनटीपीसी का क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या स्टेप्स लिया है एनटीपीसी ने। देन मेजर इंडस्ट्रीज है हम ऑलरेडी कौन सी है, सीमेंट प्लांट, एक बार डेट देख लीजिएगा सबका नहीं, जैसे सीमेंट 1904 में सेटअप हुआ था, ठीक है, देन फर्स्ट टेक्सटाइल मिल 1854 में सेटअप हुई थी मुंबई में, ये चेन्नई में सेटअप हुआ था सीमेंट प्लांट, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए। इसमें से मैप क्वेश्चंस भी हैं, मैप क्वेश्चंस कैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमने मैप के सेशन में किया था, तो उन चीज़ों को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए आपके पास जैसा भी टाइम है। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ लाइन की। अब लाइफ लाइन में ये तो चलो आप सबको पता है, लैंड वाटर एयर अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड और ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रेड, तो ट्रेड का टाइप्स अगर हम लोकल ट्रेड होता है जो आसपास हमारे सिटीज में होता है, स्टेट लेवल पे होता है, इंटरनेशनल होता है, और आजकल टूरिज्म भी एक मोड बन गया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मास कम्युनिकेशन के वेज, ये भी आपने पहले पढ़े हुए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और कौन से एग्जाम्पल हो सकता है एक मार्क्स के लिए आ जाए। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, तो 6 टाइप के रोड है। सुपर हाईवेज अगर आपको याद रहेगा तो इसको मेंटेन करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम फुल फॉर्म इसका याद रखिए। इसमें 6 लेन हाईवेज, आपको 3 ही पॉइंट लिखना है हर हाईवे के बारे में, हेडिंग देखे 3 पॉइंट, जैसे मेंटेन ये करता है 6 लेन हाईवे और 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपका बढ़िया एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। गोल्डन क्वार्टर सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट हाईवे, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला परिषद, देन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो हम बोल सकते हैं 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था, यो ब्रो गिव इट अप। देन वाटरवेज चीपेस्ट मोड है, सबसे फास्टेस्ट एयरवेज है, आपको पता ही रहेगा। इंपॉर्टेंट कुछ पोर्ट है मारमागांव जो गोवा में है, कोलकाता, गंडला जो कि गुजरात में है। देन एयरपोर्ट भी इंदिरा गांधी आपको पता है कहाँ, दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो आपको मैप में भी काम आ जाएंगे। तो सबसे फास्टेस्ट आपको पता है डोर टू डोर सर्विस कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, रोडवेज ऑब्वियसली, तो ये सारे चीजें जो आपको हेल्पफुल रह सकती हैं। Okay. तो एक बार आप स्क्रीनशॉट वापस कहूंगा आप ले लीजिए, आपको ये फ्लो चार्ट बहुत यूजफुल हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा आप एक बार भी देखें तो आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, मतलब अब जो टाइम बचा उसमें आप यही कर सकते हैं, पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो वही हिसाब से हमने भी सेशंस की तैयारी भी की थी ताकि आप लोग को एक बढ़िया सा इसी बात पे मैं चाहूंगा कि भाई प्रवीण सर और जो सर की मेहनत के लिए भाई लाइक हो जाए और इसको 4000 बना दे जल्दी से। तो ये अपना ज्योग्राफी का क्वेश्चंस है, ज्योग्राफी का सेशन सर, इसके बाद इकोनॉमिक्स सर आप बता दीजिए, मैं चाहूंगा कि उसके बाद फिर हम सिविक्स का देख लेंगे ताकि फिर हमें दोनों का मेंटी साथ है तो एक साथ हो जाएगा। यस सर, तो इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट है, ठीक है, तो डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर है, तो वहां पे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कंपैरिजन होता है। तो ये हमने जो डेटा दिया है 2004 का है, देन 2016 में, 13 में, सो हर एक टेक्स्ट बुक में, आप जो भी डेटा लिखेंगे, अब आपको शायद कंफ्यूजन है कि हम कौन सा लिखें, जो भी लिखेंगे आप ईयर के साथ लिखें, हाँ, आपके बुक्स में, क्योंकि हाँ तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ईयर के साथ में लिखिए, ठीक है, बिना ईयर के मत लिखिए, 2004 लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, ईयर के साथ लिखिए,
ठीक है, तो आपके लिए यूज हो जाएगा राइट एज पर. तो ये हो गया. देन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि यूएनडीपी स्टार्ट्स ये करता है, पब्लिश करता है. देन उसके बाद डिफरेंट गोल, तीन टाइप के गोल है. एंड पीपल शुड गो ऑलवेज विद मिक्स डेवलपमेंट गोल जिसमें दोनों रहता है. गाइस माफी चाहूंगा थोड़ा सा ये जो है क्लियर नहीं, नहीं है. जूम कर दें सर थोड़ा. ओके सर, लेकिन वो फिर भी पूरा नहीं दिख पाएगा ना, तो आप बता दीजिए जितना हो सके. अगर दिख पाए उनको आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है, ऐसे वाला स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको डाउन करता हूं. ऐसा ले सकते हो. यस सर. ओके, तो ये इनकम एंड अदर गोल्स है. देन कंपैरिजन हमने वहां पे देखा फ्लो चार्ट पे. देन ये एचडीआई रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी. यहाँ पे हमने हाईलाइट की अच्छा हाईलाइट करके रखी हुई है. पीडीएस ऐसे कुछ पब्लिक फैसिलिटीज है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप लोगों को पता रहेगा. और चिल्ड्रेन विच डाई अनफॉर्चुनेटली बिफोर, अनफॉर्चुनेटली वर्ड नहीं लिखना है, बिफोर द एज ऑफ वन ईयर. लिटरेसी रेट जो भी 7 साल के ऊपर है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं. नेट अटेंडेंस रेशियो 6 to 10 years के बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं, ठीक है. और इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन द टाइम ऑफ बर्थ बोलते हैं. देन आप ये याद रखिए कि इंडिया का 136 रैंक है जो 2017, देखिए ईयर हमने भी मेंशन किया है, वही चीज आपको भी करना है. तो आपको ईयर आप एक बार सारे डेटा आप देख भी सकते हैं आपके बुक में या चेक कर सकते हैं कि तो आपके लिए रेफरेंस के लिए अच्छा हो जाएगा. एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 इंडेक्स 2017 के हिसाब से 131st रैंक है. 17 के हिसाब से 131st रैंक है. 36 उसके पहले जो 13 में रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से. ओके, तो ये हो गया आपका. नेक्स्ट देखें सर. बिल्कुल, एक मिनट, ये वाला सेक्टर्स. सेक्टर्स बहुत ही इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से. आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपको पता ही है. तो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ओनरशिप में. आपको कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है कि सेक्टर ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, सिर्फ एक मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेशन है. तो आप ध्यान रखिए प्राइवेट एंड पब्लिक, सेक्टर ऑन द बेस ऑफ अगर वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज. ओके, तो ये तीन सेक्टर्स के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं. पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस में, ओनरशिप में, एंड थर्ड जो है तो वर्किंग कंडीशन में है. तो फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक जो है इसमें NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसमें आपको नरेगा हम बोलते हैं. इस पहली बात तो इम्प्लीमेंट कब हुआ, राइट ऑन द बेस ऑफ राइट टू वर्क 2005 में 200 डिस्ट्रिक्ट में. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट का गारंटी देता है. और एम्प्लॉयमेंट नहीं भी दे पाया तो क्या मिलेगा, अलावेंस, जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस. तो ये तीन फीचर्स है इसके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए. देन वही सेक्टर्स का हम थोड़ा एग्जांपल्स के साथ, आपको पता है क्या क्या आता है प्राइमरी में सेकेंडरी में. देन किस तरीके से हम इंटर, हाँ यहाँ पे और एक चीज है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स. तो हम जीडीपी में से फाइनल गुड्स का वैल्यू ही लेते हैं. ओके, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स बेसिक रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल को हम जीडीपी में इंक्लूड करते नहीं है, ठीक है. तो दो टाइप्स के गुड्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स. दोनों में डिफरेंस कुछ ऐसा है कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, फाइनल गुड्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. फिनिश गुड्स होता है, और आपको के एग्जांपल्स लिख देना है. देन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री. जीडीपी हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. हिस्टोरिकल चेंज है, पहला प्राइमरी सेक्टर था इंपॉर्टेंट, जरूरतें बढ़ी तो सेकेंडरी हो गया. Okay. दोनों को सपोर्ट करता है टर्शरी हो गया, ये हो गया. देन ज्यादातर आज भी लोग इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ध्यान में रखिए ये चीज को. बट जीडीपी में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर का, तो ये हो गया आपका. देन कंसेप्ट होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का. तो ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग लग रहा है कि काम कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक आंसर है. अगर आपको ऐसा भी आपने पढ़े भी नहीं है तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, अपने मन से भी लिख सकते हैं. हॉस्पिटल ओपन करना, गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, स्कूल ओपन कर सकता है,
तो इस तरीके से और कुछ चीजें जैसे यहाँ पे मोर देन 20 लाख पीपल इन एजुकेशन सेक्टर, तो ये सब है, जैसे ये है कि आज भी हम 20 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हैं, 35 लाख टूरिज्म में क्रिएट कर सकते हैं, प्लानिंग कमीशन, तो यहाँ पे आप लोगों को प्लानिंग कमीशन अगर अभी तो अबॉलिश हो चुका है, उसके पे नीति आयोग है, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद में रखिए इस चीज को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में स्टैब्लिश हुआ था, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने किया है और काम करना स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2017 से. तो अब नाउडेज देयर इज अ नो मोर प्लानिंग कमीशन, एक्चुअली इट्स अ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म को याद रखिएगा. तो नरेगा आपको बताए, तो इस तरह से आपका सेक्टर्स हो गया. देन अगर हम आगे बात करें तो उनका ही क्लासिफिकेशन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूरल अर्बन क्या होता है, देन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं रूरल रीजन में, अर्बन में, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस है. तो अगर एक कुछ सिंपल सा ट्रिक आपको बता देता हूँ ये डिफरेंस याद करने के लिए, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो ये पूरा सही तरीके से याद कर ले, तो आप यहाँ पे इसका अपोजिट ही लिखना है, ठीक है, तो नेगेटिव ही लिखना है, इसका एकदम एग्जैक्ट उल्टा लिखना है. अगर किसी को आंसर आता नहीं तो अगर आप नॉट वर्ड डाल के भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेंटेंस पूरे होने चाहिए भैया, सिर्फ नॉट डाल के लिखो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो नेगेटिव लिखना है, इसका अपोजिट ही लिखना है, इतना ज्यादा टफ नहीं है. तो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो इस तरह से आपका सेक्टर्स बढ़िया से हो जाएगा. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मनी एंड क्रेडिट, जैसे कि हमें पता है फॉर्म्स ऑफ मनी अलग अलग है, अलग अलग टाइम्स हम यूज करते आए हैं. तो आजकल हम जैसे प्लास्टिक मनी में है, देन इलेक्ट्रॉनिक मनी हम यूज करते हैं, तो उस तरह से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी है, करेंसी डिपॉजिट्स टाइप. एडवांटेज ऑफ मनी ज्यादा, एडवांटेज ऑफ मनी तो बहुत ही सिंपल है, एक्सचेंज इजिली कर सकते हैं, एक्सचेंज करने के साथ एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है, स्टोर वैल्यू है, तो वो फायदे हैं जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं था. और एक चीज, एक चीज इसमें बार्टर सिस्टम को अगर डीमेरिट्स आपको पूछ लिया, जैसे सर ने बोला कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दो जन का नीड सेम रहना चाहिए तभी वो फुलफिल कर सकता है, ठीक है, तो वो उसका डीमेरिट्स था, स्टोर वैल्यू नहीं था, हम हैवी हो गया तो कैरी नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ. तो दोस्तों ये जो पॉइंट थे वो डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम के थे. देन क्रेडिट सिचुएशन दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. अगर हमने रीपे कर दिया ऑन टाइम पे, सब बढ़िया हो गया, तो पॉजिटिव है, रीपे नहीं कर पाए तो नेगेटिव, लोग डेफ्ट ट्रैप में आ जाते हैं. देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो ये तीन चीज का इंक्लूजन होता है, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट. कोलैटरल एक एसेट होता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि जिसका मालिक कौन होता है, बोरोवर होता है, और वो देता है बैंक को जब तक वो लोन रीपे कर देता नहीं है. जैसे कि आजकल हम होम लोन लेते हैं, तो हमारे घर के पेपर्स बैंक के पास रहते हैं, तो रीपे नहीं किया, रीपे कर दिया तो हम असली मालिक बन जाते हैं, तो वही कोलैटरल हो जाता है. डॉक्यूमेंटेशन वही पेपर वर्क, सिग्नेचर वगैरह. मोड ऑफ रीपेमेंट ईएमआई हम बोलते हैं आजकल, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. देन टाइप्स ऑफ लोन, दो जगह से लोन ले सकते हैं एक्चुअली. सोर्स ऑफ लोन है फॉर्मुला, इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें भी अगेन आपको पॉजिटिव लिखना, इस एक तरह का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव लिख देना है यहाँ पे. फॉर्मल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है. हाँ, फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना आपको ये वाला कि इसमें क्या आता है, क्या आता है. बाकी आरबीआई सुपरवाइज करता, देखो कोई सुपरवाइज नहीं करता. यहाँ से अमीर लेते हैं, यहाँ से गरीब लोन लेते हैं, तो एकदम नेगेटिव. यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, ठीक है. यहाँ से थोड़ा सेफ होता है, यहाँ पे सेफ नहीं होता, तो ये हो गया. देन उसका जो अभी आपको जो चीज एक्सप्लेन की उसका ही क्लासिक एक्सप्लेनेशन है, एकदम शॉर्ट में, एकदम इजी लैंग्वेज में. आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आपको जरूर हेल्प होएगा इस इन सारे टॉपिक का. तो ये आप ध्यान में रखिए जरूर, पहला इस साइड का. ये हो गया आपका मनी एंड क्रेडिट का स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, इस चीज को ध्यान में रखिए. ये 15% बैंक अपने पास रखता है टोटल डिपॉजिट का, और ये डिमांड डिपॉजिट, मतलब हम कभी भी जाके बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. ये आपके चार क्वेश्चन अलग ही हो गए. देखिए सर आपके लिए एकदम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग को. देखते हैं कितना रंग लाते हैं बच्चे. आप लोग उसका रिजल्ट जरूर लाना चाहिए. ऊपर करना सर इसको. हाँ इसको ऊपर कर लीजिए. कोलैटरल बता दिया इसमें. कोलैटरल ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बाकी है.
तो ये तो ग्रुप होता है आपस के लोगों का, 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, सारे डिसीजन ग्रुप मेंबर्स लेते हैं। और क्या होता है कि क्यों फॉर्म किया जाता है कि सब लोग को लोन नहीं मिलता, कहाँ से नहीं मिलता, फॉर्मल सोर्सेस से, डॉक्यूमेंट नहीं होते तो लोन नहीं देते बैंक वाले, तो इसके लिए आपस में लोग ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। ग्रुप फॉर्म करने के बाद दे हेल्प ईच अदर फाइनेंशियली, या वो लोग बहुत सारे सोशल कॉज के लिए भी काम करते हैं, जैसे यहाँ पे है ये डोमेस्टिक वायलेंस, न्यूट्रिशन, हेल्थ, उन चीज़ों के। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला आपका टॉपिक है। देन इसके भी आंसर्स अगेन क्वेश्चन के साथ आंसर है, प्रॉपर आंसर के साथ है, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसको लोन मिलता है। तो आप आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। नेक्स्ट करें सर। यस सर बिल्कुल। तो नेक्स्ट है अपना ग्लोबलाइजेशन, एमएनसी आखिरी टॉपिक है, इसके बाद मेंटी आने वाला है गाइस, इसके बाद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का मेंटी है। ओके, तैयारी देखते हैं कैसी हुई आपकी। तो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, तो कहाँ पे सेटअप होता है अपने को पता है। नॉर्मली जो कोई भी बिजनेस जैसे हमने पढ़ा तो मार्केट के पास में रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, जैसे फैक्ट्री का लोकेशन था तो वो फैक्ट्री के लोकेशन के हिसाब से भी यहाँ पे भी सेटअप होता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स जो है तो वही है। देन ये क्या करता है, एमएनसी होता है क्या है, जिसका हेड ऑफिस जो है एक ही कंट्री में होता है, बट वो बिजनेस ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में करता है। जैसे आजकल पेप्सी है, कोकोला है, डोमिनोज है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये सारे सब एमएनसीज है। तो उसको देन किस वजह से ज़्यादा पॉसिबल हुआ ये, तो एक टेक्नोलॉजी चेंज हुई जिस तरीके से, देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन, देन थर्ड फोर्थ वन था लिबरलाइजेशन। अगर ऐसा फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये चारों पॉइंट हेडिंग के साथ फिर इनको एक्सप्लेन कीजिएगा, 5 मार्क के लिए अगर आपको आता है तो ज़्यादा बढ़े। देन इम्पैक्ट लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। पता है कि पॉजिटिव ये था कि कोई भी बिजनेस ओपन कर सकता है, थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, बट नेगेटिव भी क्या था, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो लोग कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाए बाहर की कंट्रीज के वजह से, या फिर बड़े बड़े ट्रेडर के सामने, तो वो नहीं चल पाए, तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन अगेन, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री किस तरीके से बढ़ गया। तो ये स्क्रीनशॉट लेना आपको बहुत ज़रूरी है, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन के साथ आपको दिए गए। देन इंटर किस तरह से इंटरनेशनल प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्रीज जाते हैं, कैसे एमएनसी टू एमएनसी ट्रांसफर प्रॉफिट होता है। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन आना, ठीक है। तो उस ये भी एक क्वेश्चन है आपको टेक्स्ट बुक में, तो ये पूरा आंसर है एक्चुअली में, तो आप लेकिन शॉर्ट में आप एक बार पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे आपके लिए क्विक रिव्यू में बहुत काम आएगा। ग्लोबलाइजेशन, देन फैक्टर्स दैट एनेबल, अभी अभी हमने बात की उन्हीं के बारे में इस तरीके से। WTO आज की डेट में 164 मेंबर है, हेड ऑफिस का जेनेवा में है, एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995, याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को। इम्पैक्ट देखिए तो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी, इंडियन कंपनीज भी बड़ी बड़ी एमएनसी बन गई, यूनिफॉर्म बहुत सारे वर्क, देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, प्रोड्यूसर्स दोनों को फ़ायदा हुआ, कस्टमर को फ़ायदा हुआ। स्ट्रगल भी था कि इसका इम्पैक्ट सेम नहीं था, तो वो कैसा गवर्नमेंट उसमें अपना मेजर रोल प्ले कर सकता है, WTO से बात कर सकता है, WTO बात करेंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, तो इस तरीके से WTO उसको यूज कर सकता है। तो हमारा अब नेक्स्ट मेंटी होगा, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड वेल, एंड सेम रेस्पॉन्स मिलेगा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए, तो अब ये मेंटी जोसेफ सर कंडक्ट करेंगे और हिंदी में कंडक्ट करने वाले सर को सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदी आती नहीं है, आप लोग गलत जज कर रहे हैं सर, वो थोड़ा सोचते हैं कि कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, बट आज सर पक्का ये बहुत बोलते हैं हमारे सामने, बहुत हिंदी बोलते हैं, मेंटी तो हिंदी में होने वाला है पक्का, ज्योग्राफी में सर, आई लव यू ऑल विल रॉक। सो लेट्स स्टार्ट सर, जोसेफ सर, जोसेफ सर का मेंटी देखिए आप, मेंटी Go ahead with the new session. Sir, Hindi bolo sir. Yes, guys, यहाँ पर कोड देख लो 895767. The code is 895767. देखो कोई अवतार खड़ा यहाँ पर. अलग अलग पोज मार देता हूँ कभी कभी. Okay, guys, फटाफट जुड़ जाओ. Join fast. और देखते हैं कि भाई ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में कौन बाजी मार रहा है। और जब तक ये लोग जुड़ रहे हैं,
आप लोग क्या करो कि भैया जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर देंगे, और जो क्या बात है ये जो सोशल के एग्जाम का जो मजा है उसको दोगुना कर देंगे, बिल्कुल 4,400 लाइक्स, क्या बात है सर, 4,500 हो गए, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, आज 5,000 हो जाएंगे एंड में सर, 5,000 हो जाएंगे, वेल डन गाइस। अच्छा 1,000 तक बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं सर, ज्वाइन फास्ट, कम ऑन सर, हिंदी, हाँ सर हिंदी, व्हाइल यू बीइंग जॉइनिंग देन वी विल बी गिविंग द टिप्स बिकॉज़ डोंट फॉरगेट टू राइट एनी आंसर, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, सर हिंदी, सर हिंदी की तरह है सर, सब आंसर लिखने का एक भी, ये सही था, ये सही था, देखो आप बोले और यहाँ पर देखो 100 लाइक फिर बढ़ गए, तो गाइस आई नो आई वांट दिस टू बी 5,000, ये मेंटी खत्म होते होते लाइक्स को 5,000 बना देना चाहिए, बिल्कुल, और जोशी सर की हिंदी के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए, और ये सर बच्चे काफी जुड़ गए हैं, मैं चाहता हूँ स्टार्ट कर दें, ओके वी विल स्टार्ट, 8 9 आर यू रेडी, 5 7 6 7, यस सर, यस, ओके हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, नो लेट देम जॉइन, लेट देम कनेक्ट, वाह वाह वाह, बहुत बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए सर, हां सही है सही है सही है, गुड गुड, कल के एग्जाम में तो एकदम सर, वी विल गेट मेनी 80 ऑन 80, बिल्कुल बिल्कुल, टुमारो विल दे कमेंट और नॉट, एट लीस्ट वी वांट, भाई कमेंट करना जरूर जरूर कि हमने किस तरीके से आपको मदद की, एग्जाम एग्जाम आपका कैसा गया है जरूर बताना, ठीक है, हमने अपनी जितनी हो सकती कोशिश करी अपने तरफ से, ओके, खासकर जोसेफ सर और प्रवीण सर ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, ये सर आप शुरू कर सकते हैं पहला सवाल, यस सर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, तो आंसर क्या है देखते हैं, और ये 1700-1800 बच्चों ने सर आंसर दे दिया है, और क्या बात, बड़ा टावर आ गया है, वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सो मींस आवर स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड आई थिंक, या दे आर रेडी, तो डिग्रेडेशन इन पंजाब इज ओवर इरिगेशन, बाकी लोग भी देख लीजिए, आगे देख लेते हैं, से सर नेक्स्ट वन, जोसेफ सर हिंदी बोलो सर, हिंदी बोलो तो जल्दी आएगा ये, यस, लो ग्रेड ब्राउन कोल इज कॉल्ड, क्या है, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट या लेमनाइट, मेरे ख्याल से एक ही कोल का यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वही होगा, नहीं एक नहीं, एक ही ना सर, ये वाला लेमनाइट, मैग्नेटाइट इज ओवर ऑफ ओवर है, आई नो रे, हां so this is lignite, obviously it is a simple question, it was yes, low grade brown coal is called lignite, now our tower khada ho gaya sir, next dekhte hain, come on, oh 4800 likes already done, make it 5000 guys, chalo soon soon, chalo jaldi jaldi 5000 banate hain isko, aur yes sir, next question sir, which of the following states is the oldest producer of oil, Arunachal Pradesh, Assam, Andhra Pradesh, Gujarat, and I know the answer, yes, next maximum, yes maximum, Assam, to yaad rakhna oil ka pehla oldest producer india ki baat karna to Assam hai, okay guys, jo log paper kiye hain agla dekhte hain, dhyan dijiye thoda, सर इसलिए हम मैक्सिमम एंटी रखते हैं, क्या होता है ना कुछ बच्चों को फिर उससे आइडिया लग जाता है, जितना हम एंटी रखेंगे उतना ज्यादा उनको आइडिया लग जाता है, सर बड़ बड़ बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पर लाइक्स की संख्या बढ़ती हुई 4.9, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ गया सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, बहुत ही आसान है, टैक्स ऑन इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसिट परमिट, ऑल ऑफ द अबव, बहुत ही आसान, ट्रेड पे बैरियर लगाना, वो कंट्रोल करना, बहुत ही आसान, उसको कंट्रोल करना, इस बेसिकली मेरे ख्याल सब है सर, मुझे भी वही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर टैक्स ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पर टैक्स लगाना, कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया लगता है कि टैक्स ऑन इंपोर्ट रहती है, कस्टम ड्यूटी भी ट्रेड को रोका ही जाता है, ट्रांजिट परमिट भी वही है, अगर हम दूसरे स्टेट में नहीं लेके जाएंगे तो कहाँ से ट्रेड होगा, तो ऑल ऑफ दी अब है, आपको वहाँ पे कंफ्यूजन समझ में आता है, बट आंसर नहीं सर, वो जल्दबाजी में वो बच्चे जो है ना एकदम देख के फास्ट के चक्कर में वो गड़बड़ हो जाता है, ओके मूव अहेड,
और लगभग आधे क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे तो सर ये हो जाएगा ना, अभी बच्चों को पढ़ना है, प्रिपेयर भी करना है। पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज, अरे क्या है सर, आप बताइए सर, जो सर शुड आई से द आंसर, या श्योर, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज मार्जिनल इनकम, एवरेज इनकम या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। वाह क्या क्या बात, क्या बात, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इन्होंने। हां बिल्कुल, मेरे ख्याल से 2000 में से 1965 लोगों ने, क्या सही है, सही है, वेल डन गाइस, वेल डन। अगला देखते हैं क्या बात है, मतलब जोसेसर वाले में ज्यादा अच्छा ज्यादा अच्छा रिस्पांस है, बच्चों डर गए लग रहा, डरो नहीं, डरने के नहीं, मेरे को देख के डर गए। ओके ये 4900 लाइक्स है सर, देखो जोसेसर का नाम लिया ना, अभी देखो ये 5000 तो आराम से होने, मतलब अभी देखो कुछ 10 सेकंड दे रुको, देखो 5000 हो जाएगा वो, अभी 4000 लाइक्स, 4900 है, 5000 हो जाएगा सर, 10 सेकंड इधर देखो तो। ओके इसको रिफ्रेश कर लेता हूं तब तक, मैं शायद आंसर आ भी हो गया होगा इसका। Well played guys, well played. क्या बात, अरे वो which of the following sectors largest, अरे वो आपने बताया, अभी अभी बताया, अभी डिस्कस किया था, सही है, सही। Largest employment कौन create करता है इंडिया में, कौन सेक्टर दैट इज प्राइमरी सेक्टर, ज्यादा एग्रीकल्चर की वजह से वो। ओके सर मैं एक की बात कर रहा था, यहाँ तो सर 200 बढ़ गए सर, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, बढ़ा दिया आपने। ओके अगला सवाल देखते हैं गाइस, ओके कम ऑन, हाँ यस सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज मोस्ट एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, अरे यार ओहो वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बहुत, बेंगलुरु हैदराबाद, विच वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, आईटी, आईटी का पूरा हब बन चुका है, आंसर भी आ गया बेंगलुरु, क्या बात है बेंगलुरु वालों, वेल डन। तो यहाँ पर आईटी का हब बन चुका है भाई बेंगलुरु। अगला देखते हैं, और देखते हैं भाई आज कौन बाजी मार रहा है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में, और कल स्पेशली अब कल का दिन ज्यादा दिलचस्प होगा देखना कि भाई कल एग्जाम कैसा है सर। मुझे ना हमेशा से लगता है कब ये डेट बजेंगे, कब मैं बच्चों को देखूं, क्वेश्चन सर, अच्छा फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट ए हेवी इंडस्ट्री, अरे नॉट ए हेवी, जो सबसे हल्का दिख रहा है यहां पर, शिपबिल्डिंग आई थिंक दिख रहा है सबको, सबसे हल्का जो है वो है, अरे क्या वेल डन गाइस, प्रिपेयर किया आप लोगों ने, यस। अगला देखते हैं सर, और तो सर मैं यही बोल रहा था कि ये डर लगा रहा था हमको भी कि कैसा कैसा एग्जाम गया होगा, हाँ उसी चीज का हमें भी एक लगा हुआ, तो कल जरूर बताइएगा आप लोग एक बार कि हमारे हमने जो भी आप लोग की सहायता की आपको यूजफुल रहे कि नहीं, जैसे आपके पेरेंट्स को फील होता है वैसे हमें भी होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न यानी ये साइड ना सर, इस तरफ, हाँ कोलकाता, विशाखपट्टनम, तुतीकोरिन, चेन्नई, आई थिंक ऑल आर नोइंग, हाँ और यहाँ दो तो जो सर की तरफ के गाँव दिख रहे हैं, ओके सो दैट इज द ओल्डेस्ट वन, जल्दबाजी चलिए, यहाँ पे तो टाइम का लिमिट है, बट कल क्वेश्चन जरूर पढ़िए, मोर गेम फॉर द कोलकाता यू सी, बट नो इट्स ओल्डेस्ट स्पोर्ट ना, इट इज आस्क, नो आई एम टेलिंग हां मोर हां, तो बिकॉज़ इट इन इट्स ज्यादा बच्चों ने कंफ्यूज हो गए सर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बाय सीइंग द ग्राफ ओनली आई आल्सो कंफ्यूज्ड व्हिच वन वाज द आंसर, चेन्नई ही, आगे देखते हैं सर अगला सवाल, और अब हम प्रवीण सर के नाम पे देखते हैं सर कितना लाइक्स मिलता है, अरे सर 1.5, जोसेफ सर ने 200 लाइक दिला दिए प्रवीण सर का, अब देखते हैं हम 10 सेकंड काउंट करेंगे और क्या ये 200 हो पाते नहीं, देखते चलो देखते हैं, यस तब तक यहाँ पर अगला सवाल आ जाएगा, अगला सवाल रिफ्रेश करना पड़ेगा, एंड यस आंसर आ चुका है सर, देखिए क्या है, रोड्स लिंक, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर आल्सो नोन एज,
स्टेट हाईवेज भाई, डिस्ट्रिक्ट रोड ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाकी एरिया से कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट रोड, यस डिस्ट्रिक्ट रोड। ये बात थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, पढ़िए सभी रोड का बेसिक। एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कल भाई, सी द डिस्ट्रिक्ट ऑन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, देख के डिस्ट्रिक्ट है तो स्टेट देख के स्टेट कर देते हैं। चलो गाइस दो सेकंड हम यहाँ पर रिजल्ट लेके आते हैं। अच्छा दो हो गया, फ्रैंक फ्रैंक नहीं पहले अलग था ये नाम। वाह भाई कांग्रेचुलेशन, क्या बात है फ्रैंक, और बाकी लोग भी अच्छा बढ़िया आंसर दिया, वेल डन ऑल ऑफ यू, जो से आई है ऑल आर प्रिपेयर्ड। व्हाई दिस फ्रैंक इज हैविंग द शूज, सी आई थिंक इज टू फ्रैंक, यस ही इज वेरी फाइन, वन शू ओनली, वेयर इज द अदर वन सर, ही इज वेरी स्ट्रांग लाइक शू, ओके दैट ही वांट्स अ शो। Very nice, congrats. इसके बाद और भी हैं यहाँ पर, कई मेरे याद है, लड़के कास्पर है, बियोंस है, यस रियान स्टिंगलिसियस, हाँ तो यहाँ पर बच्चे नाम नहीं दिए, नहीं नाम दो है, सेबेस्टियन भी है, एक ईटी है, क्या मत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटी, एडु मंत्र होगा सर, एडु मंत्र नहीं एडु तंद्र होगा। और यहाँ पर अब देखते हैं सर, अब ये अब हमारा बचा हुआ कौन सा मेंटी बचा है, डीपी डीपी का लिंक सर, पहले बेसिक उसका बता दें, we are finishing it very fast because you also have to do revision, ha quick revision, that only we are trying to do that, aaj sona bhi hoga jaldi sir ji, aap bilkul rest kijiye aaram se bina befikar hoke exam mein jaiye confident ke sath, jitna bhi padhai kiya hai badhiya hi hoga, ekdam fod ke aana hai tumko ekdam, yes sir come on, okay we will start with the power sharing, power sharing you know na what is the two things are given there in the Sri Lanka and Belgium and their ethnic differences you have to go through, and the forms of power sharing we have seen, there is very beautifully it is given, but all the forms of power sharing about different organs of the government, different levels, social groups, among political parties and pressure groups, so it is also known as horizontal, it is known as vertical, keep in mind sometimes it may be asked what is the difference between horizontal and the vertical form of power sharing, that you keep in your mind what it is. Then we will come to that it is ethnic composition is given, majoritarian form of government, once you think about the Sri Lanka only, you should know about the majoritarian form of government. Then why power sharing is desirable, there are two reasons are there, prudential and the moral reason, and forms of power sharing already we have seen, and the federal unitary types of government in India, everything you go through that it is. The next one is the federal form of government, federalism, what is federalism and how federalism is practiced. My dear children, you don't forget to see where many times the children miss, or you are confusing what makes the federalism in country and how the federalism is practiced. Achha, many times you miss the question or you misunderstand the question. Many chances. What makes India a federal country means you have to remember that there are four lists are there, that it is union list, state list and the concurrent list, and how federalism is practiced, linguistic state, language policy, center state relation. Okay, so keep in your mind, don't miss your answer or don't jump into the wrong answer, and decentralization in India, that is also very important, keep in your mind. Then we will come to the gender, religion and caste, then the sexual division of labor, women and everything, men and the woman cut said, Hindu Muslim, so religious differences we have seen, and different kinds of social divisions we have, religious division, communal manner, and the caste industry, caste politics, politics in caste. So yes, you can take the screenshot guys. Yes sir. Then see gender, religion and caste, gender and politics, women in political representation. So gender and politics you have to learn very well, gender politics, and this is very important, religion, communism and politics, how the politics comes in the religion, how the politics and the communalism, or how the communalism is becoming acute, or what do you mean by secular state. Then caste and politics, you have to remember how the caste works in politics, caste in inequalities, caste in politics, and the politics in caste,
Anyway, we have very detailedly given all these things in the chapter, the videos in the political parties. Then the political parties next chapter which we have, then the components, which all are the major components of the political party, then the functions of political party, necessity, why do we need a political party, and what all are the three party systems. Now, there is some questions asked, there are components, function, necessity. See, functions, next, I think next slide it is given there. See, political parties, what is the meaning of political party, what all are the components, and functions, people, my dear children, you have to learn function. Don't skip it, and necessity. And human, one party, this you know, I hope that it is, you know, all of you may be knowing that it is one party, two party and multi-party. Then this one is the national, what is the difference between national and the state party, how a national party is formed, how a state party is formed, you remember, and challenges of political party, and how can parties be reformed. Okay. I will tell that the two, three things you have to learn today night if you have not learned. First one is the function, second one is the these challenges of political party and how can political party, yes, functions of political party, challenges to political party and how political party can be reformed. If anybody has missed out, don't go or don't sleep before learning these things. Function, challenges and how can parties reform. Guys, isko miss nahi karna, agar sir ne bola hai to bhai kuch to kuch to baat hai. So outcomes of democracy, that it is the flowchart, it is given, you go. Advantage, disadvantage. ये तो भाई normally अगर पढ़ लेंगे तो आ जाएगा. वो आ जाएगा. एकदम. एक बार refer करना जरूरी है बस. So revision, in this outcomes of democracy, how do we access democracy's outcome? It is okay. You remember these all the three things, that it is the major concept of this chapter is it is an accountable form of government, responsive and legitimate form of government. And yesterday also we were discussing the same thing only. So this is the thing you have to remember, and economic growth. This also, many of the time when we asked, we cannot select from anything of this. Many of the time different years, different question was asked. Okay. So I will tell, don't skip anything. Economic growth and development, accommodation of social diversity, reduction inequality and poverty, and dignity of freedom of citizens. So you have to go through very simple chapter and very small chapter it is. Okay. So I will suggest that you have to go everything. Sir, मतलब हमने already यहाँ पर short किया हुआ है, तो बस वो इसको भी अगर screenshot ले ले मेरे हिसाब से तो this is enough and good. एक बार overview करने के लिए जो समय है उसमें आप अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है? तो इसको बिल्कुल screenshot ले लो आप. Okay. और जो कल मैंने मतलब आज ही जो मैंने हिस्ट्री के मतलब कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन और जो उसका सीरीज दिया था, ठीक है, आज वीडियो चेक कर लेना आप, वो जोसेफ का ही दिया हुआ था, ठीक है? तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सर आपको इस चीज के लिए. एंड ये सर आगे ओवर, आई थिंक सर दिस इज दैट. अब गाइस आ गया मेंटी, ठीक है? तो अब यहाँ पर मेंटी हम आगे बढ़ते हैं. संजीव सर विल कंटिन्यू दिस इवेंट नाउ. चलो देखते हैं. स्टार्टेड विद संजीव सर एंड विद संजीव सर. या नहीं सर, मैं चाहूंगा कि हम तीनों रहे इस बार यहाँ पर और बच्चों को आशीर्वाद दिया जाए. आप लोग प्लीज थोड़ा देखिए. वन सेकेंड फ्रैंक विल बी नॉट सर. वन सेकेंड फ्रैंक फ्रैंक हाँ, देखते हैं कौन जीत रहा है. फ्रैंक जीत रहा है या फिर कौन जीत रहा है, हमको देखना जरूरी होगा और दिलचस्प भी. और गाइस कम ऑन, कोड देख लो 7655. क्या बात है, देखो बच्चे यहाँ पर जुड़ना शुरू हो जाते हैं. क्या बात है, 7655 फटाफट 7655 गाइस. menti.com में जाओ एंड एंटर द कोड 7655. अब आखिरी हमारा यहाँ पर कह सकते हो कि सर इस साल का लास्ट सेशन है, लास्ट ये क्विज है फॉर 10th स्टैंडर्ड गाइस. एंड मैं दिल से चाहूंगा कि भाई आप लोग अच्छा परफॉर्म करो. सर आप भी आइए यहाँ पर, ठीक है? और हमारे बच्चों को कुछ गाइड करना चाहो, ये हम कर रहे हैं, उससे पहले आप थोड़ा गाइड कर दो कि भाई अब कल के दिन क्या. लास्ट मिनट टिप्स का वीडियो सर वैसे बना हुआ है, डाल दिया मैंने जैसे आपने बताया था, पर आप अपने हिसाब से भी कुछ बताइए कि क्या कल का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए वैसे बच्चों का. So please now when you read the question, you please don't think that careful, you know, don't write the answer by reading once a question. Okay, read at least 4-5 times. Okay, what you are writing, so reading time mila hota, reading time, you know, you don't anticipate answer by seeing that I know that it is ticked. You might have thinking in a wrong answer and you are ticking it and you will write the same thing again. Okay, please, jaise aap sabne bataya ki ek what का आंसर आपने हाउ में लिख दिया या हाउ का व्हाट में हो गया,
इवन इफ यू आर थिंकिंग दैट आई नो दिस आंसर रीड अगेन दैट क्वेश्चन यू थिंक दैट इट इज यू आर नोइंग इट बट समटाइम्स वेन यू रीड अगेन एंड अगेन यू विल अंडरस्टैंड अरे यार इट इज नॉट दैट थिंग ओके सो प्लीज कीप ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो रीडिंग करना बहुत जरूरी है सर आप भी कुछ पॉइंट बताइए सेम सर ने ऐसे बोला तो रीडिंग करना बहुत जरूरी है आपको 15 मिनट पहले मिलते हैं फिर एक बार लिखने के पहले रीड कर लीजिए सीबीएसई कुछ तो सोच के वो टाइम देता होगा ना सर देता है इसीलिए देता है टाइम आंसर एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंट रहिए जो भी पढ़ा है बढ़िया पढ़ा है जब जितना टाइम मिलता है एक बार जो भी टाइम में रिवाइज करने मिलता है तो कर लीजिए मॉर्निंग में टेंशन आज नाइट तो सर साल भर पढ़ा बच्चों ने आज तो वही आज पढ़ने मत जाए आज मस्त चिल कीजिए रात को सो जाइए एकदम फुल सुबह उठो जो भी एक दो घंटा देखना है देख लो आराम से एग्जाम हॉल में जाओ कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिख के आओ पैनिक नहीं होना पैनिक बिल्कुल नहीं होना पेपर देख के वो चीज को जरूर ध्यान में रखना है ठीक है और अपना पेपर की तरफ ध्यान रखना है और यहाँ पर सर 1500 बच्चे ऑलमोस्ट तो स्टार्ट करते हैं सर यस बिल्कुल 76555 जो लोग अभी जुड़े हैं या कुछ लेट हो गए हैं तो देख लो 76555 इज द कोड और हम यहाँ पर आखिरी मेंटी कर रहे हैं दैट टू ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो गाइज अब यहाँ पर थैंक यू फॉर बीइंग देयर कितना सर इतना टाइम तक जुड़े हैं थैंक यू सो मच क्या बात है थैंक यू सो मच आप लोगों ने एकदम और सर देखो मतलब लाइक्स भी दो 5.4 200 मेरे नाम पे भी आ गए सही है वेल डन तो यहाँ पर यस वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस चलो पहला सवाल देखते हैं और कोशिश करो अब आपका नाम आ ही जाए ओके मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल अरे एकदम इजी है यार ये तो मुझे भी आता है ये सही है मतलब बुद्धिस्ट हिंदूज मुस्लिम क्रिश्चियन कौन सा रिलीजन है भाई सिन्हाला श्रीलंका वाले पार्ट से है ये मतलब 1400-1500 बच्चों में से 1300 बच्चे यहाँ पर सही दे रहे हैं मतलब कि भाई बढ़िया प्रिपेयर के लिए ये जबरदस्त हुआ है सर और बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए आजकल मतलब अच्छा है भाई ये तो अच्छी बात है आपका एक सराहनीय वर्क है उसकी वजह से और स्मार्ट हो गए आप लोगों का योगदान बहुत ज्यादा उसमें अहम था व्हिच लैंग्वेज स्पोकन बाय 80% पीपल ऑफ ब्रुसेल्स फ्रेंच डच जर्मन लैटिन कौन सा लैंग्वेज है यहाँ पर जो ज्यादा ब्रुसेल्स में विल बी आंसर्ड बाय एवरीवन मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री वेर स्पीकिंग डच बेल्जियम कंट्री ऑल टूगेदर बेल्जियम ओके इट इज आस फ्रेंच यूजिंग स्पोकन इन ब्रिसेल ब्रिसेल मीन्स It is a capital city of Belgium. Capital city की बात हो रही है. Don't be confused, guys. ये सब चीजें आपको end moment में याद रखनी है. I am telling you, read the question. Read the question again and again. क्या बात है सर? सी पे हम देखते हैं. मतलब tips मिलती जा रही है आपको. कल गड़बड़ी नहीं करनी. मतलब पूरा preparation के बाद भी आप गड़बड़ी कर सकते हो. तो guys नहीं ध्यान रखना है भाई. Over confidence, don't be over confident. बिल्कुल नहीं. Sir. Yes. What are national parties? Parties which have units of various states. Parties which have no units, parties which have units in two states, parties which have units in all states. I think. जरूरी नहीं कि all state में हो और ऐसा नहीं कि दो ही state में हो. Yes, देखो यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया आपने. सर बता ही रहे थे आपको. मतलब मैं बोल रहा था. जरूरी नहीं कि all state में हो. भाई आपको अगर बहुत कई स्टेट्स में है सम ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट देयर इन सम स्टेट्स मेनी स्टेट्स सो स्टिल दे आर नेशनल पार्टीज आगे देखते हैं अगला सवाल सर कौन सा क्वेश्चन है ये वाला है लगभग अभी थर्ड चल रहा थर्ड या फोर्थ चल रहा अभी अच्छा ओके व्हिच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Come on guys, come on, Hindi, English, Sanskrit, none of these. क्या रहेगा? मुझे पता है कि बच्चे confused भी हो सकते हैं यहाँ पर. But मुझे नहीं लगता होंगे. मुझे नहीं लगता कि होंगे. confused हो सकते हैं. Right answer देंगे देखिए. ओह सर आप हमेशा सही होते हो. देखिए ये यहाँ पर ये हिंदी वाले और ये. Again, Hindi. You are mistaken. See. According to the Constitution of India, there is no official language. Official language. No, no, official, no. National language. Official language. We have only two official languages.
to official language. Hindi no national English. Language, no national. We have learned from the childhood onwards, Hindi हमारा राष्ट्रभाषा है. But ऐसा नहीं है. As per constitution, none of the language official language. We are working in both the language. आप खुद भी रेलवे स्टेशन में आते हैं, आपको फॉर्म दोनों लैंग्वेजेस में मिलते हैं. सर राष्ट्रभाषा यूज कर दिए. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वी डोंट हैव एनी, बिकॉज़ हम इतने सारे लैंग्वेजेस है हमारे कंट्री में, किसी को भी अगर हम नेशनल लैंग्वेज बोलेंगे दूसरा वाला बुरा मान जाएगा. राइट सर. सो देखते हैं अगला. वी आर अ सेक्युलर कंट्री, तो हम ऐसा नहीं कर सकते किसी को एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते. ओके गाइस, तो यहां पर लगभग 50% क्वेश्चन हो जाएंगे इसके साथ में. एंड likes भी यहाँ पर सर 5,500. क्या चाहिए सर आपको सर? Which country has a two-party system? India, Sri Lanka, United Kingdom, Nepal. Two-party system. सर इंडिया मल्टीपार्टी है. मल्टीपार्टी है. मल्टीपार्टी कई सारे पार्टी होते हैं भाई. सर नेपाल कौन सा? नेपाल में पार्टी नहीं लगा. अरे राइट करेक्ट. वेरी गुड वेरी गुड. यूएस भी है इसमें. यूएस भी है. एग्जांपल याद रखें. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है. ओके सो टू पार्टी सिस्टम फाइन. उसको काफी टाइम टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम भी कहते हैं. किसको? यूके. वहां पर यूके में थर्ड में मतलब है, बट वो अभी तक अपना सिलेबस में नहीं आया. आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा. ओके गाइस अगला सवाल देखते हैं. Feminist movements are aimed at क्या होता है? Feminist movements किस लिए होता है? Liberty, equality, participation या फिर power? भाई feminist मतलब women's. Feminist. Women के लिए जो movement होती है. कब से हम उसी चीजों पे ध्यान देते हैं? हाँ, females. आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं. तो male female के बीच में क्या है? Discrimination है. तो क्या चाहिए हमको? इक्वालिटी चाहिए. क्या बात है यहाँ पर. 1377 करेक्ट. तो मैं हिंट दे दिया शायद इसके लिए. शायद आपने हिंट दे दिया ना. ओके तो यहाँ पर देखते हैं. कोई नहीं यार अगला. कम ऑन. और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया भाई लाइक करो. लाइक करो यार. और अपने पड़ोसियों का फोन लेके लाइक करो. चलो यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल. सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू एडवांटेजेस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है स्टेटमेंट दैट एडवांटेजेस ऑफ मल्टी पार्टी. क्या एडवांटेज है भाई? लोगों के पास क्या होता है? बाकी लोग भी जो यहाँ टिक कर रहे हैं. नहीं सर मुझे पूरा यकीन है कि एग्जाम में ये लोग ध्यान से पढ़ेंगे. जितना हम रिपीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग उतना केयर करेंगे. और कल का एग्जाम पक्का अच्छा जाना चाहिए. बताना आप कमेंट सेक्शन. बहुत जरूरी है आपको बताना. ठीक है सर. मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैथ्स का जब जैसे एग्जाम हुआ था ना इतना धड़ाधड़. मतलब मुझे लगता है एक घंटे के अंदर ना पूरा एकदम हजारों हजारों. कल भी हमारा ये एक्सपेक्टेशन है. यही एक्सपेक्टेशन है भाई. सीबीएसई वाले नाराज ना कर दे हमको. व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी बेटर है यार. क्यों नहीं बेटर है? तो क्या रीजन है उसका? Yes, it promotes equality and enhances dignity of individual. ठीक है मतलब सबको बराबर का अधिकार है और हर इंसान अहम है यहाँ पर, है ना? तो guys अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर. I think this is the last this one. Will be the last question. And मेंटी ने भी अच्छा साथ दिया. वेल डन मेंटी. इनको भी हम एक अवार्ड देंगे. एक अवार्ड जरूरी हो गया. What do democracy ensure? Regarding decision making, democracy में क्या है? Process of transparency, decision taken by the head of the country या फिर council of minister, restricted popular participation in decision making. I think answers आ गए. Transparency क्या बात है? क्या बात है? कोई एक बंदा decision नहीं ले सकता, council of minister नहीं ले सकता. ठीक है यहाँ पर transparency होती है और ये एक मिला जुला decision होता है. Okay तो winner विनर. अरे यार जो सर कह रहे हैं तो भाई विनर देखना पड़ेगा. एक विनर इज इम्पोर्टेंट. अंग्रेज रख लिए सबने. वेल डन ज्लैटन. क्या बात है. कांग्रेचुलेशंस सर. क्या कहना चाहेंगे इस लैटिन के लिए? फर्स्ट ही केम विद द शू, सेकंड विद द बॉल आल्सो केम, देन वी विल स्टार्ट. मतलब सर इनको हां फुटबॉल खेलने का बहुत है. एग्जाम के बाद में बिल्कुल ये लोग खेलना पसंद करेंगे चाहेंगे. ठीक है
तो वेल डन गाइस, वेल डन गाइस, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। सभी लोग जीते हैं, कोई एक बंदा नहीं जीता है, ज्लैटन तो बिल्कुल जीता है, लेकिन कल के एग्जाम में सब जीतेंगे, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, राइट प्रॉपरली, टेक रेस्ट and after exam also take care of yourself. हाँ, comment okay. में बताना. और comment में जरूर बताइए कल का exam कैसा गया, जरूर response दीजिए. And you have to take care of yourself after exam onwards. As you know, the corona is already in India. और राजीव सर यहाँ पर, राजीव सर चाहते हैं कि भाई कल वो 15 मिनट के live आएंगे. Tomorrow sir is coming live. So he will be coming live by tomorrow. And आपका response लेने के लिए. हाँ, तो कल 15 मिनट्स के लिए लाइव आ राजीव सर। एक्चुअली मेरा गला खराब है, नहीं तो मैं लाइव पहले ही आता। इतना मैच करा दिया कि गला गला खराब हो गया। तो हम लोग कल मिलेंगे जरूर 15 मिनट के लिए। कुछ स्पेशल होगा 15 मिनट में। और फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप एक्चुअली बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोस एग्जाम। अच्छे से आप अच्छे से सोना, बिकॉज सोओगे नहीं तो लिख नहीं पाओगे अच्छे से, तो सोना इंपॉर्टेंट है। आप एक बार रिविजन करें और सो जाए, उसके बाद में कल का कल देखते हैं। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत इजी पेपर आएगा। आपने जैसे मैथ्स का देखा बहुत इजी पेपर आया, वैसे कल आप सोशल स्टडीज में बहुत इजी पेपर आने वाला है, हमको पता है। आप अच्छे से लिख के आना, बस पूरा लिखना, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसमें, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो भाई दिल से एग्जाम दो कल, और ये कोई आपकी जिंदगी का एग्जाम नहीं है, बस ये तो भाई शुरुआत है, आगे बहुत सारे। मैंने जैसा कि एक रिपोर्ट लिखा है आज के लिए कि दिस इज सिंपली द एंड इज अ बिगिनिंग। तो यहाँ पर सर इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? End is a beginning. एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक बात बोलना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर ये हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है बाहर का, ये पीयूष हो गए या फिर एहसास हो गई या फिर गुड्डी हो गई, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। रात भर दिन भर वो सुबह 7 बजे से काम कर रहे हैं आज भी, और मैच वाले टाइम में भी 7 से लेके 10:30 बजे तक काम करते हैं। जो पीपीटी और सब देखते हैं सब उन्हीं की मेहनत है। बिल्कुल। और मैं छुट्टी दे रहा हूँ, इसके लिए मैं उनको एक सर नहीं करता छुट्टी भी दे दी। कल मैं जो 15 मिनट आने वाला हूँ वो उनके लिए आने वाला हूँ, उन लोग के लिए ही। तो आप लोग का लेकिन होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कल तो मैं कमेंट्स लूंगा आप लोग से। अरे बिल्कुल बिल्कुल देंगे, आप तो फ्री हो जाएंगे बच्चे, तो कल आराम से मतलब एंजॉय करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बी कॉन्फिडेंट, टेक योर रेस्ट एंड राइट योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना एकदम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।